भारत और चीन के सैनिकों के बीच जहां दंगल चल रहा है, वहां सुबह सुबह सरप्राइज के तौर पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। वहां पहुंच भारत के सैनिकों के साथ मुलाकात की, उनका हौसला बढ़ाया। लेह लद्दाख से लेकर करगिल और सियाचिन तक, रेजांगला की बर्फीली चोटियां से लेकर गलवान घाटी के ठंडे पानी की धारा तक, हर चोटी, हर पहाड़, हर जर्रा जर्रा, हर कंकड़ पत्थर भारतीय सैनिकों के पराक्रम की गवाही देते हैं। इसके साथ ही साथ 15 जून को घायल हुए जवानों से आज मुलाकात भी किए। एक बड़ी खबर आईसीएमआर की तरफ से, 15 अगस्त तक आ सकता है कोरोना का वैक्सीन। 7 जुलाई से इसका क्लिनिकल ट्रायल शुरू हो जाएगा। उड़ीसा में आशा कर्मियों द्वारा 45 दिन तक डोर टू डोर कोरोना का सर्वे किया जाएगा। उड़ीसा के सभी नागरिकों से निवेदन है कि किसी भी तरीके का सिम्टम्स को छुपाया ना जाए, स्पोक पर्सन सुब्रत बागची ने कहा। अगर उड़ीसा में प्राइवेट लैब में कोविड टेस्ट करवाना चाहते हैं तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने उसका एक फिक्स प्राइस सेट किया है जीएसटी के साथ 2200। कल बैंक ऑफिसर्स को लेके झारसुड़ा में एक मीटिंग किया गया जिनमें सिक्योरिटी इश्यूज, साइबर क्राइम और सोशल डिस्टेंसिंग के ऊपर डिस्कशन हुआ। एवरी वीकेंड कल से सैटरडे और संडे झारसुड़ा को लॉकडाउन किया जाएगा 31 जुलाई तक। झारसुड़ा में आज फिर से 2 कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए। एक व्यक्ति 21 साल का पंजाब से रिटर्न आए थे और इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन DIIT में थे, और दूसरे व्यक्ति 54 ईयर्स के फीमेल पर्सन जो कि तमिलनाडु से रिटर्न आए थे और पेड क्वारंटाइन होटल मेघदूत में थे। टोटल झारसुड़ा में कोरोना केस 120 तक पहुंचा। आज एक झारसुड़ा में कोरोना मरीज ठीक हुए। टोटल ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 49 तक पहुंची। उड़ीसा में एक दिन में सबसे ज़्यादा कोरोना के नए मामले दर्ज किए गए। बीते 24 घंटे में 561 नए मामले और 203 मरीज ठीक भी हुए। उड़ीसा में संक्रमित होने वाले मरीजों की संख्या 8000 के पार, ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 5705 तक पहुंची। इंडिया में 24 घंटे में कोरोना से 20000 से ज़्यादा मामले सामने आए। अब तक देश में 18213 लोगों की मौत हुई। देश में कोरोना के कुल मिला के 625544 और ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 380000 तक पहुंची। आज बॉलीवुड की मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान का 71 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया। ज़्यादा जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और लाइक शेयर फॉलो करना ना भूलें हमारे ट्विटर, यूट्यूब और फेसबुक पेज को। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए भरल झारसुड़ा, द वन यू ट्रस्ट।